हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट के नेम को कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं, फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर रहा है, जिससे आपको जो पुरानी सेटिंग मालूम रहती है वो सेटिंग आप भूल जाते हो जब अपडेट होता है फेसबुक। तो उससे क्या होता है, हाल ही में एक ऑप्शन था फेसबुक पर पब्लिक पोस्ट का, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वो हट के फॉलोअर्स एंड पब्लिक कॉन्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत से लोग को नहीं मालूम है, जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके जो सेटिंग रहती है ऊपर नीचे हो जाती है, लोकेशन चेंज हो जाती है, वही रहती है मगर लोकेशन चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके आप अपना जब अभी रिसेंटली अगर अपना नाम चेंज करते हो तो आपको वो ऑप्शन वहाँ नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसे वीडियो को स्टार्ट करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको करना क्या, सबसे पहले मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। यहाँ पर देखिए, मेरी दूसरी आईडी है ये, तो मैं इसी का फिलहाल करूँगा। मैंने तो मेरी एक मेन आईडी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे। तो यहाँ देखिए, एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पास नहीं है। ये देखिए, देखिए यहाँ पास है प्रोफाइल पिक का, कवर फोटो, बायो में आप जाएंगे तो बायो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर डिटेल एडिट जाएंगे तो यहाँ पर आप ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हॉबीज़ है, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पास कोई ऑप्शन नहीं है नेम चेंज करने का। तो आपको कैसे करना है, देखिए सिंपली आपको बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखिए आएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आएगा सेटिंग्स ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल सेटिंग आ रही है, और यहाँ पर देखिए आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आ रहा है, यहाँ पर जैसे मेरी आईडी का जो नाम आ रहा है एमडी हमजा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पास कंडीशन भी पढ़ लेना है, पहले नेम चेंज करने से पहले आपको यहाँ पास कंडीशन पढ़ लेनी है। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है फेसबुक, यहाँ पर आप जो नाम अपना चेंज करेंगे 60 डेज़ के अंदर फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, 60 डेज़ के बाद फिर आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप रिसेंटली अभी चेंज कर रहे हैं तो फिर 60 डेज़ आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर अपना दूसरा नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप पहले से किए हैं और 60 डेज़ हो चुका है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर 60 डेज़ नहीं हुआ है तो आप यहां से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा यहां पास आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत पहले ही से नाम रखा था, तो मैं क्या करता हूं, इसको नाम काट देता हूं, और मैंने कुछ और नाम जैसे मैं अपना रख देता हूँ, पहले एमडी हमजा था, अब यहाँ पर मैंने मोहम्मद हमजा रख दिया। अब यहाँ पर आ रहा है रिव्यू चेंज, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा, तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, अपने आईडी का, जो आपकी आईडी है इसका पासवर्ड आपको डाल देना है। तो यहाँ मैंने अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भी यहाँ पर फिल कर दिया, आपको भी अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम चेंज हो चुका है, यहाँ पर एमडी हमजा पहले था, अब यहाँ पर मोहम्मद हमजा हो चुका है। तो इस तरीके से आप फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हैं, 60 डेज़ के अंदर आप नाम नहीं चेंज कर सकते, 60 डेज़ के बाद जो आप फिर नाम यहाँ पर से चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने नेम चेंज किया था, मैं अब 60 डेज़ के बाद नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। 60 डेज़ के अंदर नहीं कर सकता, मतलब 2 महीना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो नीचे उन्हें बताइए जरूर कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो एक लाइक दीजिए, अपने शेयर में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर लिया, उससे होगा कि मेरे ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।